Happy birthday to you. Happy birthday to you. कल राती ना बेगम मेरी थल्ले आई है ना सीढ़ियों में। अच्छा। पैर पुट्ठा पैर दे ऐसे जगह ना डिफेक्चर हो गई। तो जिस दिन की गाड़ी ली है ना अब्बा जी उस दिन के अभी बैठे हैं आज। अबू खैर तो फड़ी बैठे हो, मैं को रेगिस्तान जी गड़ी पाई है। तू रेगिस्तान नालों काट भी नहीं है। थारा इसने कूड़ा उठा लिया यार इधर से। क्या पाजी कोड़ा कोड़ा है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सारे? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं, बेहतरीन हैं। वेलकम करते हैं आपका ब्रांड न्यू व्लॉग में। उठाऊं जी, उठ के रेडी होके सीधा जा रहा हूं अल्ट्रासाउंड करवाने, क्योंकि मैंने ना एक जगह से अल्ट्रासाउंड करवाना था और तकरीबन 10 दिन हो चुके थे, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं थी मिल रही। मैंने बड़ी कोशिश की मिल जाए, नहीं थी मिल रही, क्योंकि वहां पर रश बहुत होता है, कभी नंबर बिजी था, कभी टाइम नहीं है। तो फाइनली मैंने एक दोस्त को बोला तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेके दी है। अभी मैं जा रहा हूँ सीधा, नाश्ता वाश्ता मैंने कोई नहीं किया, उठाऊं उठ के रेडी होके सीधा जा रहा हूँ हॉस्पिटल, वहां से अल्ट्रासाउंड करवा के फिर करेंगे नाश्ता और बाकी अपने काम। ले जी, मैंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, रिपोर्ट करवा ली है। अभी मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए फोन करूंगा तो उसको कि यार वहाँ की अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगी आज की, नहीं तो कल की तो लाजमन मिल जाएगी। और दूसरा अभी मैं जा रहा हूँ छोटू भाई के पास, क्योंकि जो इंटरनेट लगवाया हुआ ना हम लोगों ने वो थोड़ा मसला कर रहा है, वो चल नहीं रहा। अब आई डोंट नो, इंटरनेट का पहले भी पाकिस्तान में बड़े अरसे से मसला चल रहा था, ये सॉल्व आउट हो ही नहीं रहा। लेकिन अभी मैं फिर जा रहा हूँ उनके दफ्तर जाके मैं पूछूं, क्योंकि वो बार बार कहते हैं अभी हो जाता है और काम होता नहीं है। तो मैंने कहा मैं ना एक दफ़ा खुद जाके भाई से पूछ लेता हूँ कि यार क्यों जलील कर दे हो, पैसे तुसी पूरे टाइम तो लेंदे हो और पैसे एक दिन भी लेट नहीं होते, एक दिन भी लेट हो जाए। उन्होंने कहना सर पैसे नहीं आए। और अपनी दफा जब इंटरनेट खराब हो तो कस्टमर को सही तरह बताते ही नहीं है कि कितना टाइम लगेगा या क्या सीन है। बाहर इतनी बाइकें खड़ी हुई हैं, मुझे लग रहा है मैं एहतशाम साहब की कोठी नहीं कॉलेज आया हुआ हूँ, पता नहीं इतनी बाइकें क्या कर रही हैं इधर। किधर जा रहा है? किधर है ये? ऊपर उसने क्या करना है, इधर ही किसी रूम में होगा। मोटू भाई, ए मोटू भाई, मोटू भाई दबा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। ये क्या लगा? ए की लगी। ए पूरा की लगी इन मार सट। क्या हाल है भाई? इन तमीज नहीं है, इन भूल गई। इधर आ ना जरा, तू मुझे ऐसी क्यों जाता है? तू आके देख, चमक गई है। ये रूम तो मैंने देखे ही नहीं। माशाल्लाह यार, ये बड़ा प्यारा लगा है, किधर से लगवाया? ये गुजरावाला से लेके आया था। अच्छा, दो मोड है इसके, तो बटन के अंदर ही दोनों मूड है। मैं वही देख रहा हूँ कि माशाल्लाह काम जो है ना अब खूबसूरत हो गया। अच्छा, इस काम की तो बात कर रहा था कि ये हो गया, ये किधर लगाना है? ये क्या है, कौन सा? नहीं, ये लगाना किधर है? ऊपर इसके। ये वाला कलर अच्छा लग रहा है। मुझे एक चीज बताओ, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे ये सारे घर का पेंट खराब हो गया है सामान की वजह से। हाँ, जाहिर सी बात। हाँ, निशान पड़ जाता है, इसीलिए मैंने सारा रंग करवाना ना एक दफा दोबारा से। अच्छा, पूरा घर दोबारा पेंट होगा? छोड़ा होता है, काम होता ही ऐसे है, उसको छोड़ देते हैं। एक कोट करके छोड़ देते हैं, दो कोट करवा के छोड़ते हैं। मैं तीन करवाता हूँ, दो कोट करवा के छोड़ देता हूँ, ये प्रॉपर हो गया। अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही ब्रश होना, इसने साफ हो जाए, बस बिल्कुल क्लीन हो जाए। क्लीन हो जाना भाई, बल्ले हो जाओ। मोमबत्ती ये कितने का लेके आया? ये बताते नहीं है। नहीं नहीं बता आज। सही रेट बताओ कि गलत रेट? नहीं नहीं गलत नहीं, पहले ही सही रेट बता। गुजरावाला से कितने का लेके आया? 20,000 का लेके आया। रेट दसिया ना मैं, किने दा भाई कहंदा 25,000 रुपए का। मैं गुजरात तो आया तो मैं कारोबार करना तो प्यार बहुत उन्हें है भाई थोड़ी ज्यादा से 20,000 रुपए दो जी। अच्छा सुन सुन, अगू मैं भी बार्गेनिंग नहीं की थी, मैं लियो। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जितना ऐसे ग्लिटर ग्लिटर है ना प्यारा लग रहा है, मुझे था कि शायद 50-60,000 का होगा। लगता है ना? हाँ लगता है। ये चीज बड़ी, इसीलिए तो मैं जाता हूँ गुजरात वाले से लेने। तो ये कहता रहता ना मैंने गुजरात वाले जाने।
असल में गुजरात में वैरायटी भी थोड़ी कम है ना, क्योंकि इतने इतनी शॉप्स नहीं है। ये कम है, इसमें कुछ भी नहीं होना सिवाय रंग के, ये खत्म हो। अच्छा, ये तेरा मास्टर बेडरूम है? ये ऊपर का मास्टर बेडरूम है। ये मुझे ना सारे रूम से ज्यादा खूबसूरत ये लगा। खूबसूरत भी है, बड़ा भी है और अच्छा भी है। इसमें देखना, अब ये नीचे वाला वॉशरूम छोटा है, हाँ ये वाला वॉशरूम मैंने बड़ा कर दिया है। ये चलो जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह थोड़े नसीब करे। बाकी इसकी कोठी तो बिक चुकी है, और बिकी कितने की है ये मैं आपको बताऊंगा फिर बाद में, इसे पूछ के बताऊंगा, क्योंकि इसने मुझे भी पता नहीं सही प्राइस बताई है कि नहीं बताई। गाड़ी अपनी फुल गंदी हुई है, तो मेरा दिल है इसको आज वॉश करवा लो। यार मैं जा रहा हूँ इधर घर, निकास भाई जा रहे हैं, मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। अबे खोल दो भाई। हाँ जी मियां जी, क्या हाल है? सेट है यार, को बंदा रखे शेव शूव करा लेना यार, हैं? आप मारते हो उधर, तो उठा लेते हो फोन, इधर क्या उठाओगे? सामान उठा लिया सारा, क्या रह गया अब इधर? यार वो लोडर अप करवाना है। अच्छा, ये सारे जितने ना पौधे शोधे लेके जाने हैं, उस दिन मैं सारा सामान लेके आऊं यार, जो सीनरीज रह गई थी। अब क्या रहता है? ओए इधर मच्छर देखो कितने हो गए हैं, ओए सुनो, ओए होए 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 मच्छरों से तो बुरा हाल हुआ है। क्या रह गया? ये देखिए। अबे अच्छा, ये बैग मैं उस दिन पता क्यों छोड़ के गया, मैंने इधर से देखा, मैंने कहा ये तो टूट गया शायद, इसको छोड़ गए। अब इसमें टूटा तो हुआ है लेकिन अंदर माल है, इसके सामान रखा हुआ इसमें, ये सबसे जितने पूरा घर सजाया हुआ था। यार मेरी बात सुनो यार, उर्वा साहब आपको हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि आज उर्वा की सालगिरह। शर्मा क्यों रही है? मैं तुझे हैप्पी बर्थडे कर रहा हूँ, आगे से थैंक यू करो। हाँ थैंक यू, थैंक। इसका केक शेक बनवाया? अभी बनवाना। सारे काम कर, और रात का क्या सीन है? रात चलेंगे कहीं पे? चलो आज उर्वा की सालगिरह भी करनी है जी, उर्वा के भी आज नखरे जो है ना, इतने मच्छर इधर किधर से हो गए यार ना, मैं वही देख रहा हूँ, मैं क्या जब हम रहते थे तो एक मच्छर, तब तो एक मच्छर नहीं था, अभी तो थे कुछ, सफाई रोज होती थी ना, खत्म हो जाता था काम। अभी क्या सीन है कि जनाब आप चार दिन हो गए मेरे ख्याल में, तीन चार दिन तो हो गए, इसी वजह से इधर बैठे हुए, चार दिन ना ना हो। यार मेरी बात सुन, अपना इंटरनेट पुराने वाला चल रहा है इधर? हाँ। ओ शुक्र है यार, मैंने व्लॉग अपलोड करना है, मैं अपलोडिंग के लिए बैठा हूँ, अपना ना घर वाला नेट चल रहा है, नेट ये है ना वो नहीं मिलना हुआ, वही तो बस इसीलिए तो आगे गया हूँ। वो कौन सा है? एक मिनट रुको जरा, इमाम उर्वा साइड पे हो जरा, एक ये देखो यार, इसको कैसे सुलाया हुआ यार, ज्यादती है यार, चीज है ही नहीं। कैसे सुलाया हुआ यार? यार वो पठान के साथ ज्यादती है, पता नहीं कैसे सुलाया हुआ यार। खैर यार मुझे तो इंटरनेट मिल गया, मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूं। वालेकुम, क्या हाल है प्रार भाई? करनी है, निकलो। ये कुत्ता बजा हुआ है। इसको टीचर रख भाई, नई नई गाड़ी है अभी, जरा ध्यान से समझ रहे हम। आहो ये दो और पकड़, ये मोटू भाई ने अपना टिकटॉक खोल लिया वीडियो बनाने के लिए, वखरा टिकटॉक रल पे सानू। फॉलो करो यार मुझे, फॉलो करो। क्या आईडी का क्या नाम है? एहतिशाम इजाज, यही नाम है बस। यार आईडी दिखाओ ना यार, एहतिशाम इजाज। ले जी मोटू भाई को जाके सब फॉलो करी, और अभी हम खाती है रोटी। दो तो नहीं थी मंगवाई, एक मंगवाई थी, एक मंगवाई थी। हाँ ये तो चेक करने के लिए। ये दे, ये क्या है? एक फ्रिज है नाल आ गया, फ्रिज है ना छड़ी। मैं कह इससे पहले वापस ले जे, खा लेते हैं। पता नहीं कितने दिनों बाद नांटी की खाई, स्वाद आ गया। लोडर मंगवा लिया जी मैंने सारा, इसने ये सारे जितने भी गमले यहाँ पे रहते हैं ना, और इतना इनका वजन है मैं आपको बता नहीं सकता, ये सबसे बड़ा है, इसको तो मेरा दिल है खाली करवा दूँ, और ये जनरेटर ये सारी चीजें इसमें जाएंगी, और जो कुछ सामान रह गया वो फॉर्च्यूनर में रख रहे हैं हम लोग। यार ये जो मेरी सिविक गाड़ी थी ना, उसकी ओरिजिनल लाइट पड़ी हुई है अभी तक, ठीक है, और ये लाइट है तकरीबन 20 मॉडल की, और अगर किसी को चाहिए हुई ना भाई से लेनी हुई तो बता देना, सस्ते में सेल कर दूंगा, मार्केट से कम रेट में दूंगा। चल भाई और देख ले जो कुछ सामान है तो आ जा। हाँ जी क्या हाल है? ठीक ठाक। किधर घूम रहे हो? मैं आपसे मिलने आ रहा था, मैं भी आखिरी सामान शिफ्ट कर रहा हूँ अपना। और ठीक है, पहले भी आए हुए आप तो ब्लॉग में है ना, आए हुए हो ना, वो वाला ब्लॉग देखा भी था कि खाली आ गए थे, देखा था मैंने। बाकी देखते हो? सारे देखता हूं मैं। बबर शेर, बबर शेर आजा कुछ कापी ले। नहीं, नहीं। ओके आ गए हो फिर अभी भी? ओके
थैंक यू जी। लॉटरी निकल गए हैं, अभी मैं ना इनसे पूछूं क्या रह गया, वो भी मैं गाड़ी में रखूं लेके जाऊं, क्योंकि मैंने उनको घर की लोकेशन दिखानी है जाके, तभी पता चलेगा लॉटर वालों को। अच्छा मेरी बात सुनो, अब क्या रह गया है? जनरेटर क्या करना है यार, उधर यूज ही नहीं होना जनरेटर, तो फिर मेरी गाड़ी में बिल्कुल साफ सुथरा सामान रखी ब्रो, वो उसमें जाएगा, जनरेटर इशू नहीं है। अब आओ जल्दी, वो उसको लोकेशन नहीं पता, और भाई जान उसको टाइम लग जाना, उन्होंने घूम घूम के जाना, वो कहते घूम घूम के मामा उठे की कहने ले बड़ा बंदा मजदूरदार आदमी है, रास्ते से ट्रैफिक आने चालान ठोक सड़े देखो। अच्छा जी, उन्होंने इसीलिए तो मेन रोड से जाना नहीं, उन्होंने घूम घूम के जाना है, चलो छुप छुपा के, जैसे ऐसी वाइट स्मगल कर रहे हैं। कम ऑन मैन, यार है बंदा जान नहीं छोड़ रहा, सारा इसने कूड़ा उठा लिया यार इधर से, क्या भाजी घोड़ा घोड़ा राजा ब्रो को काम कर ले, तू भी हट रहा मियां छड़ दे, तू वखरा नवाब लग गया साडे ते, हैं जब भी कोई काम होता है अपना काम ही, इसकी नवाबी ही नहीं खत्म हो रही, किसी काम को हाथ ही नहीं लगाता, मुझे अब समझ आ रही है। तेरे ना लंजी मेरे बड़े दुश्मन फिरते रहते हैं, क्या देखो सुमान मैं साथ नहीं मिलता, सही कह रहे हैं वो, तुझे मौत पड़ती है, तू काम करते ही नहीं है, मैं ना तेरे वो ते नुकसान करनी मार मारनी किसे थी एहसन साहब, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा दो रहे हो, वेरी गुड, शाबा शाबा, ध्यान नाल ध्यान नाल, तेरी ऐसे की ठैसे, मारो मारो आओ, ले यार मैं भी भर ला। मोटू भाई का घर आया हूँ, वेट कर रहा हूँ, और बच्चा आ गया। हाँ जी बच्चा जी, क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है आपका? मूसा। मूसा, हाँ जी, किधर घूम रहे हो साइकिल पे? ये चाचू की वर्कशॉप जा रहा हूँ। तो अभी ट्यूशन नहीं गया आज? ये ट्यूशन नहीं जाता। क्यों? जा रहा हूं। अच्छा माशाल्लाह, कितने सुपारे कर लिए? मुकम्मल हो गए। ओए माशाल्लाह यार, क्या बात है यार, कहाँ से किया? इधर से ही, यही क्रॉस स्कूल है आगे चौक में। अच्छा अभी हिफ्ज़ कर लिया आप, साथ पढ़ रहे हो दूसरी स्टडीज? नहीं अभी उसकी रिवीजन कर रहा हूं। डिवीजन कर रहा है? माशाल्लाह यार, बहुत अच्छा लगा सुन के। चलो भी है। आप भी हो? आ जाओ जी, वालेकुम सलाम, आप क्या हाल है? ठीक। आप भी हिफ्ज कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? मेरा कलाम खत्म हो गया। आपका भी कमल हो गया? माशाल्लाह यार, बहुत अच्छा यार, अल्लाह ताला आपको अजर दे। चलो अभी आप जाओ एंजॉय करो। आप भी आए हमारे वर्कशॉप पे? नहीं मैंने अभी घर जाना है, सामान पड़ा हुआ है गाड़ी में, इतना फिर आऊंगा, आप जाओ। ओके बाय बाय। माशाल्लाह यार हाफिज बच्चे से हैं। मेरी बात सुनो, हम लोग ये बच्चे क्या चीज है, मैं ऐसे बैठा हुआ और मैं फुल नीचे होके बैठा हुआ, बच्चे फिर भी पहचान जाते हैं यार, बच्चों का क्या ही हफ्ज है, क्या कह रहे हैं भाई आप, फैन तो फिर है ना, पहली फरमाइश ही ये होती है बच्चों की, भाई व्लॉग में ले, मैं कहता हूँ आ गए हैं व्लॉग में, व्लॉग तो क्यों कह रहा है बोल, अब मैं कह रहा हूँ हम लोगों ने ये उधर सामान उतरवा के वापस आ जाना। हाँ वापस आ जाना, चलो क्यों, तुझे कोई काम है? हाँ वो काम लगे हुए ना बस, आज कोई काम नहीं तेरा होना। क्यों? बस बोल दिया तो बोल, बस कर अपनी दुकान से जरा रुकी हल करन ते। क्यों? वो दो टूटियां लेके देनी है, वो पीछे ही आ रहे हैं भाई। किसको लेके देनी है? वो प्लम्बर आया हुआ है ना, उसको लेके देनी है। यार मोटू भाई वो लोडर वाले खड़े हुए हैं यार उधर ना, उनको बेचारों को जलील कर यार, तेरे काम ही नहीं खत्म हो रहे, जीप कट जा मेरे, तू की गल है यार, ऐसी बात कौन देता है तेन बेचारा, ऐसी बात कौन निकालता है यार। मैं ना वापिस आके ना उस्मान को फोन करता हूँ, आज इसको मिल के ही जाना, मैं इसकी ऐसी छोटी सी, ठीक है जो इधर हम जाते होते हैं ना, चला चाय शाय पीने, आज उसे चाय पीते हैं। चलो ठीक है, डन ब्रो। अच्छा जी ये सारे वे रख दिए हैं इधर, ये कुछ इधर पड़े हुए हैं, बाकी अम्मी किधर रखवाए हैं? तो अभी रखवा लेने थे किधर, तो यहाँ भी तो रखने हैं ना, ये वाला एरिया, ये दीवार खराब करते हैं यार, इधर रख लेंगे वैसे ही, ये ठीक है, इतना बड़ा लॉन है इधर क्या जरूरत है। ओहो इधर वैसे भी तो खाली रहेगा ना यार, अच्छे लगेंगे, इधर चेयर रख देना, रहने दो, मच्छर बढ़ेगा ब्रो, उधर ही ठीक है, तो मच्छर उधर नहीं बढ़ेगा, मच्छर उधर भी तो चले, सही है ठीक है, मैंने जाना है, मैं आता हूँ। तो उसका बर्थडे का क्या प्लान है? बर्थडे है आज, करनी तो उसके अम्मा अब्बा तो भी आए नहीं है, वो उधर ही घूम रहे हैं, आ रहे हैं, वो केक का भी ऑर्डर देने गए थे। चलो फिर मुझे बताएं, मैं आता हूँ फिर जो है ना, चलते हैं। मेरी ना मुझे ब्लैक वाली मेरी चप्पल चाहिए, वो बता दें कहाँ है प्लीज, मुझे ना देख के दें, मेरा पाउंड दर्द हो रहा है, मैंने जाना है, और अब्बू का मुझे फोन है, अब्बू पता नहीं इधर कहीं रास्ते में है, मुझे कह रहे हैं आ मेरे पास, मैं अब्बू के पास जा रहा हूँ। भाई इधर क्यों गाड़ी रोक ली है, चलना किधर जा, पंगी के पास जाना है हम लोगों ने, पंगी के पास भी जा रहे हैं, क्या लिखा है वो देख, ये कुछ कार एक्सेसरीज पार्ट है, इधर से क्या लेना है तुम्हें? अच्छी सी चीजें दिलवाता हूँ, मैं नहीं जाना, मेरा पाउंड दुख रहा है ब्रो, तू जा।
मुझे नहीं पता तूने जो लेके आना ले आ, मेरा ना पाँव दुख रहा है यार, शूज मैंने पहन रखे हैं। लेने क्या जा रहा है वैसे? ले क्या तू? गाड़ी नहीं दिलवानी? गाड़ी से दिलवानी है, तेरे से थोड़ी दिलवानी है। हाँ तो गाड़ी दिलवाने के लिए भाई कपड़े लेके आ रहा हूँ, अच्छे वाले, उनके पास जो कपड़े होते हैं निशान पाड़ देंगे ना। गिफ्ट करने हैं मुझे? गिफ्ट कर देंगे भाई, फिर लेके आओ, ऐसे आके तुमसे ले लेता हूँ। तुझे मैं बताता हूँ, देता मुझे पैसे, चल लेके आ पहले। ओए ये तो मुझे कोई लेज लूज लग रहा है, क्या है दिखा? लेज नहीं है भाई, ये देखो क्या कहते हैं इस कपड़े को, कार्बन फाइबर एग्जैक्ट। इससे तो एलसीडी वगैरह भी साफ होती है, पूछा उनसे भाई? भाई जान इसीलिए लेके आया हूं ना गाड़ी पे। अच्छा ये मतलब गाड़ी वॉश के लिए? यार मुझे याद आया, मुझे ना कल गूगल बोल रहा था, कहता है यार तेरी नई गाड़ी है तो इसके ऊपर ना वो शाइन होती है, ये जो बाहर धोते हैं ना गाड़ियां शाड़ी, तो ये मतलब वही कपड़ा यूज करते हैं, कहता उसके ऊपर मट्टी शट्टी होती है तो ना आपकी जो वो डॉट वाली शाइनिंग है ना वो खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से तुझे भी उसने ही बताया जी भाई। तो तूने अपनी गाड़ी के लिए भी ले ली है? अपनी गाड़ी के लिए भी ले ली। वाह बब्बर शेर, बाबा जी भरा हो गए, पूरा सेट है ये दिखाई। कितने का है? छाड़ तू जीने का है, देने नहीं तो ताग पूछ। नहीं वैसे पता भी तो होना चाहिए ना, 2-in-1 है। कितने का है? कितने का है ये? एक सेट 1500 का, 3000 दे गए टोटल। ये 950 का, ये सिर्फ ये शैम्पू पे ला के ना इसे साफ कर दो, नहीं है इसके पास सफाई सुखाने के लिए ये यूज करते हैं। ये दो कपड़े हैं, एक एक्सटीरियर के लिए एक इंटीरियर के लिए। ओ, 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 ओ भाई। ये उमेर साहब ने तो पूरा बना यार, लेकिन ये महंगा नहीं है 1500 का ब्रो? जी भाई 950 का ये सिर्फ, ये सस्ते थे लेकिन चलो इससे मतलब शैम्पू लगा के इससे ऐसे वॉश करना है ना, राइट जी। चलो मैं ना आज गाड़ी तो दिलवाई नहीं है, कल दिलवाता हूँ। रखो जी इसको, रखे इधर दो डैशबोर्ड में रखते हैं इसको, इधर कर थोड़ी, इधर कर थोड़ी सी, बस 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 बढ़िया। टिकी बैठ क्या हाल है? ठीक ठाक। सेट है वो? किधर है भाई, किधर है तेरा? बस काम पे गया था, शादी आया नहीं अभी तक? नहीं नहीं, मैंने फोन किया तो कहता मैं घर हूँ, घर रहा हूँ, वो काम था उस सिलसिले में बाहर गया हुआ है। अच्छा उर्दू तेरे पे अच्छी नहीं लगती वैसे? नहीं कसम है, लेकिन बोला कर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तेरी क्या की टाई माय बेस्ट आई ट्राई माय बेस्ट। अच्छा ट्राई माय बेस्ट, ये मीठी टाई नहीं उसकी बात। ये क्या हुआ? क्यों 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 वो आ गया? आ गया, आ गया उसमें। ओ मेरा दोस्त पंगी आ गया। ओ पंगी ओए, ओ पंगी ओए। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, सर क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। तेरे काम ही मार खाने वाले हैं, मेहनत कर रहे। पहले तो वेला फिरता सी ना, ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है ना, जरा लाया। अच्छा कहता ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे छोटे भाई वेले होंगे ने कह सुनिया नहीं, वड्डा भरा बाहर होंदा है, तू कहना ना महबूब मैं चंड मर लगा सी तेन, जे तू महबूब कह दिंदा ना मैं बहुत कुटना। चलो यार आ जाओ, क्या हो गया? अरे यार खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है भाई साहब, क्या बन रहा है घर पे? खैर है, कोई मेहमान आ रहे हैं जो इतना सालन चालन बन रहे हैं? क्या नहीं मुझे कुछ क्या हुआ? जब गाले से कर रहे हैं। हाँ तूने जब तूने उठाई नहीं थी ये भी बोल साथ। तो मैं उस टाइम हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल क्यों? हाँ, क्या हुआ? कल राती ना बेगम मेरी थल्ले आई है ना सीढ़ियों। अच्छा तो पैर पुठा पैर दे ए ऐस जगह ना हड्डी फ्रैक्चर हो गई। व्हाट है? हाँ तो मैं वो तो प्लास्टर लगा रहे थे जब मैं निकाल रहा। ये कब का? कल का वाक्य है? कल ना जब मैंने तुझे कॉल किया उससे पहले की बात है। कल जब गा रहे थे उससे मैं प्लास्टर लगा रहा था ना।
यार तू बताता तो सही, तूने कॉल भी नहीं उठाई, तूने कॉल बैक भी नहीं की, तो बचत होगी है ना अभी। अब बस वो फ्रैक्चर है, प्लास्टर लग गया, डेढ़ को मिल गया है, डेढ़ मिल गया बस। नहीं तो फिर कहाँ से बचत होगी? वो कि तू कह रहा है डेढ़ महीना बेड रेस्ट है यार, ये तो यार ये तो बड़ा अफसोस हुआ है मुझे, तो पता ही नहीं है ना तूने बताया ना इसने, इसको मैंने कॉल की है। नहीं नहीं यार ये तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं इसी साइड पे था तो मुझे फोन करता। चलो भाई मैंने, मेरी बात सुन, जब से तेरी शादी हुई है ना मैं तुझे तब से इसको मैं कह रहा हूँ श्रीयार साहब कि नजर लग जाती है, नजर लग जाती है, ठीक है तो तू सदका सदका निकालना था, ये नजर लगी और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ वो तो मुझे पता है, ये तो डिनर शिनर पे रोज जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। तो मैंने यार देख, मैंने इसको पहले भी बोला था कि जब बंदे की शादी होती है ना, नहीं नहीं तो तब होता है थोड़ा सा आपके ऊपर जो है ना वो थोड़ा नजरों में आप होते हो, तो आपको सदका सदका उस टाइम देना चाहिए। तो मैं इसको काफी दिनों से कह रहा था, लेकिन कोई नहीं यार, चलो अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, नसीब में जो लिखा हो वो तो फिर होना ही है, लेकिन उनको अभी बेड रेस्ट करवाओ सुकून से। हाँ डेढ़ महीना बेड रेस्ट हुए हुए यार ये। चलो खैर कोई अगर कोई काम हुआ मेरे लायक भी तो बताई, ठीक है। और ये सदका सदका निकालो श्री यार साहब, नहीं नहीं बड़ा सदका निकालो, क्योंकि सदका तो देखो बड़ी जरूरी चीज है। तो फिर वो मेरे ख्याल से मेहमान मंडी बहाउद्दीन से ही आ रहे हैं, भाभी के घर वाले आ रहे होंगे। सही है सही है, ठीक है। चलो मैं भी यार निकला था अभी, मैंने वो छोटी की सालगिरह, मैंने कहा यार तो मिल जाऊं तो इससे, फिर रह जानी है मुलाकात। बस बिजी दे चक्कर दे विच ना, फिर चल को नीड रोना है, टेंशन नहीं लेनी, की हो गया अभी मुझे कह रहा था, कहता मुझे रोना वो देख कैसे हंस रहा चमला। अच्छा नहीं नहीं बनता है यार उसका, देखो उसकी वाइफ है तो वो ऑब्वियसली जब तकलीफ में हो तो एहसास करना चाहिए, लेकिन रो रो क्यों रहा है? वो कहता ये साथ साथ है ना मेरे, रोना साथ साथ। चल यार अल्लाह खैर करेगा, तूने टेंशन नहीं लेनी, सब ठीक हो जाएगा। उनको बस जो है ना बेड रेस्ट करवाओ, और सदका लाजमी सुबह श्रीयार साहब, ये तो गया होता तू फ्री है तो तू दे दी, ठीक है ये वाला काम करी। बरन उन मैं रोटी खा लेनी सी, लेकिन उन सैड मोमेंट हो गया, उन रहन दियो मैं घर जाके खाऊंगा यार। वो एमरजेंसी एक हो जाती है, एमरजेंसी आ गई है। मेरा भी एक दोस्त कोई बाबा मोटा हो गया, अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे, को कटे हो वे, देखो 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 ये दे पेट देखे इसका। अस्सलाम वालेकुम, किसका फोन है? डॉक्टर का फोन है, डॉक्टर भी यही कह रहा होगा उमर। सब मिलके दुआ करें कि जो हमारी भाभी हैं, पंगी साहब की जो वाइफ हैं, उनको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनको जो है ना जल्दी वो ठीक हो जाएं। और दूसरा ये बोल दें कि प्लीज इसको ना, इसके स्पेशली आप इंस्टा पे जाके इसको तलकीन कर दें कि यार प्लीज मोटू भाई पतले हो जाओ। मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि इसका नाम मोटू भाई रहे, मैं चाहता हूँ ये पतला हो जाए, इसका नाम पतलू भाई रख दूं मैं, क्यों श्री यार साहब बनता है ना ऐसे तो ये मेरी ना सुन, मैं हम मोटा मैं रुकी मचा दिया बात तो सही है, इसलिए देर से पूछा है। हेलो ये मसला तनु है? हाँ जी। नहीं बड़ा तू स्टे करके बोलना, रुक के बोलना। क्यों? मैं क्या कौन? तो पहले मुझे आवाज नहीं ना आई, केक ले आए हो? हाँ जी। किधर ने सारे अंदर है? क्या प्रोग्राम है अब? हैप्पी बर्थडे कर दो इधर। इधर साहब ने हैप्पी बर्थडे के लिए फोन किया और वो खुद कोई केक खा रही है मेरे ख्याल से। ये ले बात करें अब।
ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਲੋ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਕਰੋ लेट के सो गया हूँ और कितनी देर सोया हूँ मेरे ख्याल से एक घंटा सोया हूँ और फिर उसके बाद मुझे उठाया है। रुबा आपने उठाया था, मुझे किसने उठाया? बाबा ने मेरे ख्याल से उठाया था, मुझे ये भी नहीं याद क्योंकि मैं इतनी ज्यादा नींद में। तो उन्होंने उठाया कि भाई उठ जा टाइम दे, क्या होगा उसका केक काटना है, अभी बाहर जा खाना खाना है। अब रेडी शेडी हो सारे, अभी निकलना है। घर में नहीं मंगवाना, दादो की तबीयत ठीक नहीं। दादो की तबीयत नहीं ठीक, दादो तो मुझे पहले भी कह रही थी कि जो है ना खाना शाना बाहर से नहीं खाते है, मतलब बाहर वाला खाना घर ले आके खा लेंगे। मैं क्या जोड़ के आया इस बात का, कहते हैं इसका मतलब है कि थके हुए घर खा लो। लेकिन उर्वा साहब ने जिद की है जी, उर्वा ने बोला कि नहीं जी बाहर से ही खाना है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। ऑब्वियसली उर्वा की बर्थडे है तो अम्मा जी उर्वा की सुननी तो बनती है फिर। अब ठीक है, अब आज उसका दिन है, आज उसकी सुननी बनती है। खुशी भी है और एक साल कम भी हो गया। हाँ ऐसे ही है, एक साल कम भी हो गया और आज उर्वा की सालगिरह, कल हारिस की सालगिरह जो कि जवाब भेजा बेटा और वो बाहर है, कल उसका भी केक शेक ला कटेंगे। आपकी कब होती है बर्थडे? कब होती है? कब होती है आपकी? कब होती है बर्थडे? करके बस किधर लेके जा रहे हो उसको? हेलो ओ भाई आपके साथ हैं? जब मेरी होती है ना, मेरी होती है 2 दिसंबर और सारा की होती है 1 दिसंबर। एजल की कब होती है? 30 नवंबर। यस क्या कह रहे हारिस की 1 अक्टूबर में होती है। हारिस की 1 अक्टूबर में जैसे होती है। अरे गलत बताया यार तुझे, नैन चाची की 26 अक्टूबर को होती है। किससे होती है? आपके पापा की कब होती है? मुझे नहीं पता। उर्वा अगर जाना है ना बाहर तो बुला के लो, सारे रूम में चलेंगे, शोर डालो जाके। यार चलो यार पापा, क्या बात है, सारा दिन फोन चलाते रहते हो, अभी फोन चलाने का टाइम आया है। मैं तो जी अपने शूज उठा के पहनूं। क्या हुआ, पैसे इकट्ठे हो गए? दिखा पैसे। तेरे पास किधर से इकट्ठे हो गए? बर्थडे तो उसके, तेरे पास कैसे इकट्ठे हो गए? आपके पास ही इकट्ठे हुए? मामू ने दिए, मामू ने। ओए वाह, उर्वा को तो दिखा, उर्वा को तो फुल पैसे फूफी छुपी से भी लिए है। मामा ने ही है, मामा ने भी दिए है जी। उर्वा साहब अब इनको संभाल लेना, सबने दे दिए। हमारी जब बर्थडे होती थी ना हमें नहीं थे पैसे मिलते। गाड़ी पे जा रहे हैं, इसको बाइक पे जाने की पड़ी हुई है। चलो गाड़ी पे जाना है, गाड़ी पे जाना है, बाइक पे नहीं जाना। नहीं नहीं उधर गाड़ी में बैठ। चलो भाई दरवाजा क्यों खोल रहा है, एक गाड़ी भी चलते हैं ना। नहीं सर पूरे नहीं नहाने, दो गाड़ियों पे जाना है। या तो इस पे आ जाने थे, लेकिन इसका जो हाल है तुझे दिखाऊं ना। सामान निकाला ही नहीं होगा अभी तक। नहीं निकाला, मुझे पता था। नहीं फिर नहीं ना आया। हाँ मैं नहीं आया तो सामान निकला नहीं है ना, उथे दी चौके ले आए, उथे दी चुकन नहीं होया। पूरा थक गया अल्लाह दे बंदे हूं। चलो कोई नहीं, फिर ये गाड़ी निकालो, जाना किस रेस्टोरेंट पे, इधर पास वाले पे। हाँ चलो चलो। उर्वा क्या तरीका है यार, नई गाड़ी है उस पे लाइने मार रहे हो, कम ऑन। तो क्या कर रहे थे ये जादू वाली छड़ी ने ना लाइन डाल देनी है उसके ऊपर। बेटा ध्यान से चला यार, मैं करता हूँ साइड पे, गाड़ी निकालो। गाश एक ये बारबेक्यू प्लेटर कर लेते हैं, ठीक है। साथ दो चिकन कढ़ाई कर लेते हैं। मटन वगैरह तो नहीं खाना? नहीं मूड मटन, आपने शनवारी जाकर खाना था, इधर से नहीं खाना। चलें फिर इधर से दो ये कर लो, साथ राइस वगैरह कर लो। उसको बुलाओ, मैं देता हूँ ऑर्डर। फिर उर्वा के काम देखो, उर्वा ने ना ये टिश्यू लगाया हुआ था, नीचे गिर गया, कहती मेरे कपड़े ना गंदे हों बस आज हैं। ले जी ये अपने खाना जो बचा था पैक करवा लिया, इसको घर लेके जाएंगे। आगे निकले हैं वापस, और जिस दिन की गाड़ी ली है ना अब्बा जी उस दिन के अभी बैठे हैं आज। अबू खैर तो फड़ी बैठे हो, मैं रेगिस्तान की गड्डी पाई है। वो तो मैं आपको चेक करवा रहा था ना कि गाड़ी देखे भागती है कि नहीं, कैसी गाड़ी लगी है, ड्राइव में अच्छी है नहीं, हम तुम्हें ड्राइविंग सीखनी है कि नहीं सीखनी है दस दियो। ड्राइवर रखा। अच्छा ड्राइवर रखवाना है, ड्राइविंग खुद नहीं सीखनी यार, खुद भी तो अबू आनी चाहिए ना, कि ड्राइवर बीमार शुमार हो जाता फिर कोई गल नहीं।
उर्वा कहती है दादू स्कूटी चलाएंगी। उर्वा दादू को पहले गाड़ी तो सिखा दे, फिर वो स्कूटी भी चला लेंगी। यार यार अभी हम लोग घर जा रहे हैं और मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है। हम लोगों ने खाना शाना खाया, मैं घर जाके चाय पी। खाना जबरदस्त था, बड़ा मजेदार था। उर्वा दी सालगिरह ते इमरान ने दावत दी थी। हाँ बहुत सारी बात है, मैं फिर चाचू हूँ, चाचू का इतना तो बनता है। तो जो बिल शिल था वो मैंने कहा मैंने देना, दावत मेरी तरफ से। आज भाई कहते हैं नहीं, आज भाई कहते हैं बेटी मेरी है, दावत मेरी तरफ से। मैं कहा मैं भी तो चाचा यार, ये कौन सी बात है, मैं बिल दूंगा। जी मेरी तो चाय बन के आ चुकी है, अभी मैं चाय पीऊंगा, चाय पी के जाके मैं करूंगा रेस्ट। और आज के ब्लॉग से भाई को दे दें इजाजत। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग बड़ा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज जेडी वीडियो अच्छा लगनी है वो किधर हुई नहीं लपेगी। तो हमें याद रखिएगा, कल मुलाकात करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।